नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से बिछड़ना, लेकिन वक्त है कि अपनों को अपनों से बिछड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो पहली बात तो ये है कि अब आप अपनों से बिछड़ रहे हैं, यानी आप अपने घर वालों से बिछड़ेंगे और आपका प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अफिलिएटेड कॉलेज या मेन कैंपस में ज़रूर होगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो बिछड़ना तो पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बिछड़ना पड़े। जो लोग नहीं बिछड़ेंगे उनका एडमिशन होगा ही नहीं, तो ये बातें हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल आपका है कि आपके कॉलेजेस की कट ऑफ कब आएगी। देखिए, कट ऑफ आने का अपना अपना एक मतलब एक तरीके से एक प्रोसेस होता है। ये एक प्रोसेस के अंतर्गत कट ऑफ रिलीज होती है। कोई भी कॉलेज ऐसे अपनी कट ऑफ को रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले जो छात्रों की प्रायोरिटी रहती है वो मेन कैंपस की प्रायोरिटी रहती है। सारे छात्र मेन कैंपस में आना चाहते हैं, तो इस वजह से मेन कैंपस के कुछ राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद फिर कॉलेजेज अपने कट ऑफ को रिलीज करेंगे। इसके साथ साथ पहले तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसमें बीच में बोल रहा हूँ, जो लोग देखते हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। बाकी आप लोग इतने सब्सक्राइब कर दिए हैं कि उतना मेरे लिए बहुत मोर देन सफिशियंट है। आप देखते जरूर रहिए, बाकी कुछ करिए कुछ ना करिए वो आपकी मर्जी है। और सारे प्लेटफॉर्म से जो कमेंट बॉक्स में पिंड है वहाँ से आप जुड़ जाइए, मेरे पर्सनल से भी आप जुड़ के अपने सवालों को पूछ सकते हैं, बाकी हमें भी आप लगातार देखते रह सकते हैं। तो ये काम है। तो कैंपस की तो कट ऑफ अभी चल रही है, सेकेंड राउंड की कट ऑफ लगभग सारे कोर्सेज की आ ही चुकी है, बीकॉम की भी कट ऑफ आ चुकी है। अब यहाँ से जो है, जब 3 से 4 राउंड, अभी कैटेगरी वाली कट ऑफ नहीं आई है, तो अभी ऑल कैटेगरी की कट ऑफ निकल रही है। बहुत सारे कोर्सेज में अभी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं निकली है। बीए की कैटेगरी वाली बाकी है, बीएससी की भी कैटेगरी वाली बाकी है, अभी ऑल कैटेगरी की ही निकल रही है। जब कैटेगरी वाइज भी पहली कट ऑफ आ जाएगी, दूसरी एक आध कट ऑफ आ जाएगी कैटेगरी वाइज, तब थोड़ा सा कॉलेज अपने स्तर से फिर कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। क्योंकि फिर देखिए, जैसे जैसे सीटें भरेंगी वैसे वैसे कॉम्बिनेशंस भी भरेंगे। कॉम्बिनेशन को भरने के बाद फिर हो सकता है बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन किसी को ना मिले, तो वो दूसरा कॉम्बिनेशन लेने किसी और कॉलेज में जाके एडमिशन ले। बहुत सारे लोग कॉलेज में कॉम्बिनेशंस के लिए भी जाते हैं, बहुत अच्छा नंबर रहता है अगर हाई कट ऑफ है, लेकिन अभी उतना कॉम्पिटिशन नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से जब दूसरी तीसरी कट ऑफ आ जाएगी कैटेगरी वाइज भी, अभी तो ऑल कैटेगरी की कट ऑफ चल रही है, तो थोड़ा सा अभी कॉलेज के एडमिशन में समय लग सकता है। लेकिन कैंपस की काउंसलिंग बहुत तेज़ से चल रही है और बहुत रफ्तार से पकड़ेगी, बहुत स्मूथली तरीके से काउंसलिंग हो रही है, कोई समस्या किसी को नहीं आ रही है। तो इस वजह से कॉलेजेस की भी जब कट ऑफ आना स्टार्ट होगी, कॉलेज का भी प्रक्रिया सारा ऑनलाइन ही रहेगा। बहुत कम ही जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस हो रहा है, बाकी मैक्सिमम कॉलेज के जो एडमिशन है वो ऑनलाइन ही होंगे। हो सकता है ADC का जो एडमिशन है वो ऑफलाइन हो, लेकिन कॉलेज की कट ऑफ कब आएगी अभी थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। जैसे भी कट ऑफ आती है हम आपको यहाँ से अपडेट करेंगे, आप यहाँ से जुड़े ही हैं तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपकी जिम्मेदारी मेरी है, उसके बाद आप जब यहाँ पर आएंगे तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं वहन करिएगा, फिर अपने सपनों के साथ आप न्याय करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई भी आपका सवाल हो आप सवाल को जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।